नमस्कार इन आर कुंडू स्टडी चैनल यू आर मोस्ट वेलकम इन दिस चैनल यू कैन गेट हिंदी एंड इंग्लिश अनसीन पैसेज फ्रॉम क्लास 1 to 8 ऑल्सो अनसीन पैसेज इन संस्कृत इज गिवन प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल फॉर मोर न्यू वीडियोज टुडे आई गोइंग टू शेयर अ रिक्वेस्टेड वीडियो फॉर आंसर ऑफ अनसीन पैसेज For class 7, passage number 2. Now I am going to start the video. This is the passage which I shared previously for class 7 unseen passage, passage number 2. Now I am going to discuss this passage in Hindi first. Then I will give the answer. Quickly. One मॉर्निंग अकबर वेंट फॉर ए वॉक विद प्रिंस सलीम एंड बीरबल एक सुबह अकबर किसके साथ घूमने गए थे एक पैदल घूमने गए थे प्रिंस सलीम के साथ और बीरबल के साथ दे केम टू द बैंक ऑफ अ रिवर वो कहाँ आए एक नदी के किनारे आए इट वॉज अ हॉट मॉर्निंग ये एक गर्मी के दिन का सुबह था दे सैट डाउन इन द शेड ऑफ अ ट्री वे सब एक पेड़ के छाव में बैठे थे अ फ्यू मिनट्स लेटर अकबर सेड कुछ मिनट बाद कुछ समय के बाद अकबर बोले शैल वी गो फॉर एंड बाथ इन द रिवर क्या हम लोग नदी में नहा सकते हैं नदी में जाकर नहा सकते हैं बीरबल पुट हिज हैंड इन टू द वाटर बीरबल अपना हाथ पानी में डाले और बोले इट्स वेरी कोल्ड सर ये बहुत ठंडा पानी है आई वोंट बाथ इन इट हम इसमें नहीं नहाएंगे अकबर सेड अकबर क्या बोले ऑल राइट ठीक है सलीम एंड आई विल बाथ इन इट सलीम और हम इसमें नहा लेंगे यू स्टैंड हियर एंड होल्ड आवर क्लोथ्स आप यहाँ पर रुकिए और हम लोग का कपड़ा पकड़िए इन योर हैंड आपका हाथ आपका आप अपना हाथ में हम लोग का कपड़ा पकड़िए फिर क्या हुआ अकबर एंड प्रिंस सलीम टुक देयर क्लोथ्स ऑफ मतलब उसके बाद अकबर एंड सलीम अपने कपड़ा उतारे और गेव देम टू बीरबल बीरबल को दिए थे देन दे गॉट इन टू द वाटर एंड बाथ इन इट फिर वो लोग पानी में गए और नहाने लगे अकबर सेड टू सलीम अकबर क्या बोला सलीम को बीरबल इज अ फूल बीरबल बहुत बुरबक है ही इज स्टैंडिंग इन द सन वो धूप में खड़ा है एंड होल्डिंग आवर क्लोथ्स हम लोग का कपड़ा पकड़ते हुए धूप में खड़ा है ही लुक्स लाइक अ वॉशर्समैन्स डंकी कैसे दिख रहा है एक धोबी का डंकी जैसा दिख रहा है धोबी का गधा जैसा दिख रहा है आई विल हैव अ जोक विद देम एक उसके साथ थोड़ा सा मजा कर लेते तब बोला बीरबल सेड अकबर अकबर ने क्या बोला बीरबल यू आर कैरिंग द लोड ऑफ अ डंकी तुम एक गधे का बोझ ढो रहे हो तुम्हारे पास एक गधे का बोझ है नो सर सेड बीरबल तब बीरबल ने बोला नहीं सर आई एम कैरिंग द लोड ऑफ टू डंकीज हम दो गधे का बोझ ढो रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर Answer of the following questions. First question, who went for a walk? Answers in the first line. Akbar, इसमें direct आपको नहीं लिखना है इसलिए आपको खोज कर answer बना कर लिखना है इतना दिन से आप English में answer बना रहे हैं आप इतना भी कर सकते हैं answer पता होने के बाद answer बना कर लिखना कैसे होता है इतना भी कर सकते हैं और हम भी आपको गाइड कर देंगे कैसे लिखना है आंसर होगा आपको हु वेंट फॉर ए कौन कौन
गया था वॉक में? कौन गया था? अकबर गए थे, सलीम गए थे एंड बीरबल गए थे। तो इसी तीनों का नाम लिखना है, अकबर, प्रिंस सलीम एंड बीरबल। फिर लिखना है वेंट फॉर अ वॉक। आंसर ऐसे लिखना है, अकबर प्रिंस सलीम एंड बीरबल वेंट फॉर अ वॉक। नेक्स्ट, व्हाई डिड नॉट बीरबल बाथ इन द रिवर? बीरबल नदी में क्यों नहीं नहाए थे? आंसर, बीरबल डिड नॉट बाथ इन द रिवर बिकॉज द वाटर वॉज कोल्ड फॉर हिम, क्योंकि पानी उसके लिए ठंडा था। क्यों लिखे फॉर हिम? क्योंकि उसी नदी में अकबर एंड प्रिंस सलीम नहाए थे लेकिन बीरबल नहीं नहाए थे, इसलिए। नेक्स्ट, हु बाथड इनटू द रिवर? आंसर, अकबर एंड प्रिंस सलीम बाथड इनटू द रिवर। नेक्स्ट, व्हाई डिड अकबर कॉल बीरबल अ डोंकी? आंसर, अकबर कॉल्ड बीरबल अ डोंकी बिकॉज ही वॉज स्टैंडिंग इन द सन एंड होल्डिंग देयर क्लोथ्स। नेक्स्ट, हुम डिड बीरबल मीन बाई टू डोंकीज? आंसर, बीरबल मीन्ट टू अकबर एंड प्रिंस सलीम बाय टू डंकीज। नेक्स्ट, पुट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन देयर प्रॉपर ऑर्डर बाय नंबर्स, बाय नंबरिंग देम इनसाइड द बॉक्सेस। बॉक्सेस में नंबर लिखकर आपको प्रॉपर ऑर्डर में सेंटेंस को सजाना है, लिखना है। फर्स्ट में आएगा सेकंड वाला लाइन, One hot morning during a walk, Akbar, Salim and Birbal sat down in the shade of a tree beside a river. इसका फर्स्ट नंबर में आएगा, वन नंबर लिखेंगे ऐसे। नेक्स्ट आएगा, अकबर एंड सलीम डिसाइडेड टू बाथ इन द रिवर, ये सेकेंड को सेकेंड नंबर में आएगा। फिर दे पुट देयर क्लोथ्स ऑफ, दे मतलब दोनों अपने कपड़ा उतारे, वह अपने कपड़ा उतारे, तो ये थर्ड नंबर में आएगा। नेक्स्ट, दे गिव देम टू बीरबल, अपना कपड़ा किसको दिया? बीरबल को दिए, तो ये फोर्थ नंबर में आएगा। नेक्स्ट, दे गॉट into the water and bathed in it, नदी में उतर कर फिर नहाए, तो इसका होगा फाइव नंबर। नेक्स्ट, टिक द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट अल्टरनेट, इसमें टिक करना है। द पर्सन हु वॉज ओवरस्मार्ट वॉज बीरबल, बीरबल इज फुलिस विटी एंड अनस्मार्ट। आंसर होगा विटी, मतलब मजाकिया। आपको विटी का मतलब समझ में नहीं भी आएगा तो बीरबल इज फुलिस ये नहीं होगा, अनस्मार्ट ये भी नहीं होगा, तो ऑब्वियसली विटी होगा। नेक्स्ट, विथ अकबर एंड सलीम एंड बीरबल देयर वेर वन डंकी, टू डंकीज, थ्री डंकीज। अकबर एंड सलीम के साथ कितने डंकी था, वन टू या थ्री? इस क्वेश्चन में हम कुछ नहीं टिक करेंगे क्योंकि क्वेश्चन में अब जो पैराग्राफ था उसमें तीनों अकबर, सलीम और बीरबल के साथ कोई डंकी था ही नहीं, इसलिए इसमें होना चाहिए था, क्वेश्चन में होना चाहिए था नो डंकी, कहीं भी कोई एक ऑप्शन में होना चाहिए था नो डंकी, लेकिन इसमें नहीं है इसलिए हम इसमें टिक नहीं करेंगे। फिर अकबर एंड हिज कॉम्पेनियंस केम टू अ रिवर बैंक, कहाँ आए थे? एक रिवर बैंक में। दूसरा ऑप्शन है अ बैंक बिसाइड ए रिवर, एक बैंक है रिवर के पास। फिर अ लॉन्ड्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ वुड यू कैटेगराइज द टेक्स्ट एंड
एनेक्डोट इज अ उपाख्यान, अ हिस्ट्री लेसन, एक हिस्ट्री लेसन, अ फेबल, इसमें होगा अ फेबल। प्लीज प्रेस लाइक एंड कमेंट योर सजेशन इन कमेंट बॉक्स एंड शेयर द वीडियो प्लीज। थैंक यू फॉर वॉचिंग।